परम गुरु टपक सिंचाई पद्धति के अंतर्गत ये बाल्टी आधारित सिंचाई पद्धति है। इसकी मदद से किसान भाई क्यारियों में, सबसे पहले तो क्यारियों का जो उपयोग है, खाली पड़े क्यारियों का, मेड़ों का उपयोग, फूलों की खेती, फलों की खेती, इसके लिए कर सकते हैं। और उसको सिंचाई के लिए, उसकी सिंचाई के लिए टपकम गुरु टपक सिंचाई पद्धति से बाल्टी, दो बाल्टी की मदद से एक जो मेड़ है उसको आसानी से सिंचाई किया जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ इसमें पानी की बचत कर सकते हैं किसान भाई। और इसके साथ ही, सिंचाई के साथ ही, अगर मल्च का उपयोग करते हैं मतलब किसान मर्ज भाई, क्या होता है? ये प्लास्टिक मल्च होता है, और ये इसको आसानी से किसान भाई बाजार से खरीद सकते हैं। और ये इसका फायदा ये है कि खरपतवार का नियंत्रण करता है, और जो हम सिंचाई टपक सिंचाई के माध्यम से इसको देते हैं वो नमी को बना के रखता है। ये मतलब अच्छा, मतलब धूप, इसमें बिजली बिजली कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं जी है जी ना, बहुत ये सस्ते में हो सबसे जाए। इसका एडवांटेजेस फायदा ये है कि इसमें कोई किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं होती सिंचाई के लिए। बस इसमें बाल्टियों को भरने के लिए आपको, हाँ, कितना देर पानी चल जाता है एक बाल्टी? मतलब 20 लीटर होगा करीबन एक बाल्टी में, जी 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 40 लीटर है तो कितना दिन चल जाता है? 40 लीटर पानी आपका 2 घंटा हाँ आराम से इसमें चलता चल रहेगा, जाता है। और इतने मतलब समय दिन में, भर में 2 बार भरने की जरूरत है जी बस? जी बिल्कुल, और हाँ इतने समय में ये आसानी से सिंचाई इसमें हो जाता है। हो जाते हैं। जी, ओके, मतलब किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम देखते हैं गांवों में बिजली की समस्या गर्मियों के दिन में अधिकतर होती है। तो उस परिस्थिति में किसान अगर सिंचाई करना चाहते हैं, पौधों को पानी देना है, तो ये बहुत ही लाभदायक उपयोगी ये साबित हो सकता है किसानों के लिए। ये और थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जी अनुसंधान सेल के डॉक्टर पुनेन साहू सर। इन्होंने बाल्टी पद्धति के बारे में विस्तार से बताया और आपको जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।